खबर मौसूल हुई गुज़श्ता रोज़ की खबर है कि दाइश के जो सरबरा है अबू बकर अल-बगदादी उसको अमरीकी फोर्सेज ने इराक समेत कुर्द अहलकारों के साथ मिलकर मार दिया है। यह भी खबर आई है कि इस सबसे खतरनाक दुनिया के सबसे खतरनाक दहशतगर्द की हलाकत के पीछे घर के बेदी ने लंका डाली है। पता चला है कि अबू बकर अल-बगदादी के ठिकाने तक पहुंचाने वाला कोई दुश्मन नहीं बल्कि सरबरा दाइश का हमजुल्फ और करीबी साथी मोहम्मद अली साजिद था, साजिद उसका नाम था, जो अपनी ज़िंदगी को लाहा खतरात के पेश नज़र अब इराकी इंटेलिजेंस के एक अनदेखे सेफ हाउस में रूपोश है। और अमरीकी सदर ने भी दाइश के सरबरा को शाम में अमरीकी फ़ौज के एक ऑपरेशन के दौरान हलाक किए जाने की तस्दीक की थी। वाशिंगटन में मीडिया को भी आगाह किया डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि अमरीकी फ़ौजियों की जानब से घिरा तंग होने के बाद अबू बकर अल-बगदादी ने खुद को जैकेट को धमाके से उड़ा दिया जिससे उसके अलावा 3 बच्चे भी हलाक हुए हैं। ये हम क्यों सेगमेंट कर रहे हैं, इसका बड़ा इम्पैक्ट है इस खत्ते के ऊपर, ख़ासतौर पर जो सीरियन वॉर है, इराक के अंदर जो जंग है उसके ऊपर बड़ा इसका इम्पैक्ट है। ये सवाल है कि अल-बगदादी की हलाकत के बाद किस नौइयत के और किस किस खत्ते में किस नौइयत के इम्पैक्ट्स आएंगे और ये जो असरात आएंगे ये सीरियन वॉर पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं। अमेरिका का ये दावा है कि अमरीकी ऑपरेशन में ही शाम में इसकी हलाकत हुई है और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम कुछ हिस्से उस विजुअल के जो उस वक्त रिकॉर्डिंग हुई थी वो भी हम रिलीज़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल फिल्म की तरह हमने उस सारे मनाजिर को मैंने खुद देखा है। तो अमेरिका का क्या स्टेक है इस बगदादी की हलाकत में? और सबसे बड़ी बात, इस हलाकत और उसामा बिन लादन की हलाकत में किस हद तक मुमासलत है, इसके लिए बात करते हैं साबिक सफीर शाहिद अमीन साहब, कराची से हमारे साथ। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सऊदी अरब में मुकीम रहे हैं बतौर सफीर। सर, अल-बगदादी की हलाकत के बाद किस नौइयत के और किस किस खत्ते में इंपैक्ट्स आएंगे और ये असरात सीरियन वॉर पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं? सर, अब देखिए, ये जो दाइश या आई एस के नाम से जाना जाता है जिसके सरबराह बगदादी थे, ये एक वक्त तो बहुत ही ज़्यादा अहम सा हो गया था क्योंकि काफ़ी बड़े इलाके पे इसका तसल्लुत था शाम में और इराक में, लेकिन इसके ख़िलाफ़ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने तआवुन किया जिसमें अमेरिका भी शामिल है, रूस भी शामिल है और इलाकाई ममालिक भी शामिल हैं। तो इन्होंने मिलजुल के कम अज़ कम उस इलाके को आज़ाद करा लिया जिस पर दाइश का कब्ज़ा हो गया था। और दाइश के ख़िलाफ़ बुनियादी तौर पे यही इल्ज़ाम हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक ज़ालिम किस्म की तहरीक है, जेनोसाइड यानी कि नस्ल कुशी की है इसने, और वीडियो पे बनाए हुए मुख्तलिफ़ किस्म के मजालिम और अकलियतों पे के साथ जुल्म, औरतों पे जुल्म, तो यह एक लंबी दास्तान है कि इन्होंने किस किस किस्म की दहशतगर्दी की है, मजालिम किए हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि सभी इनके मुखालिफ हैं और जो ऑपरेशन कामयाब हुआ इनका कब्ज़ा ख़त्म करने का, उससे आमतौर पर सभी ने उसका खैर मकदम किया, ठीक है, लेकिन बाद में यह अंदाज़ा हुआ कि उनके जो सरबरा हैं बगदादी साहब तो अभी तक मौजूद हैं और उनका चाहे पूरे इलाके पे हुकूमत ना हो लेकिन पॉकेट्स ऑफ एरिया तो थे जहाँ पे उनका कब्ज़ा था और एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो ख़त्म नहीं हुए थे, लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनको ये बिल्कुल मुसद्दका बात है कि बगदादी जो है वो मारे जा चुके हैं। उन्होंने एक कोई अमेरिकन ऑपरेशन था उसमें उन्होंने अपने आप को खुद ही उड़ा दिया अपने सुइसाइड अपनी वेस्ट के ज़रिए से। तो अगर ये बात सही है जो जिसके आसार नज़र आते हैं तो यकीनन दाइश को एक बहुत बड़ा झटका तो लगा है क्योंकि एक कम के कैरिस्मेटिक लीडर थे वो, अपने आप को उन्होंने अमीरुल मोमिनीन करार दिया था और उनका बयान था कि दुनिया के सारे मुसलमान जो हैं उनकी नीचे आ जाएँ, तो उनका एक असर रसूख एक हद तक तो था जो पहले के मुकाबले में कम हो गया है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। ये समझना कि इनके मरने के बाद उनकी तंजीम जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ये तो गलत है क्योंकि उसके एक इंतहा पसंदाना सोच है, इस्लामी इंतहा पसंदी आप कह लें जो भी कह लीजिए, और तो ऐसी तंजीमें जो हैं वो तो चलती रहती हैं, लेकिन यकीनन बगदादी की मौत के बाद एक खिलासा हुआ है और शाम में जो उनकी जो असर रसूख था उसमें यकीनन वाज़ेह कमी होगी। तो शायद अमीन साहब, सर ज़रा मुझे क्लियर कीजिएगा इस बात में, इस हलाकत और उसामा बिन लादन की हलाकत में किस हद तक मुमासलत है? उसामा बिन लादन की डेड बॉडी भी नहीं पब्लिक हुई और उसके बाद पता चला कि उसकी डेड बॉडी समंदर बुर्द कर दी गई, ये भी खुद को धमाके से उड़ा लिया, इसकी भी बाकियात कोई नहीं है, ज़ाहिर है DNA टेस्ट से कुछ हद तक कन्फर्मेशन हुई भी है, डोनाल्ड ट्रंप भी इसको कन्फर्म कर रहे हैं, क्या ये हकीकी हलाकत हो सकती है या फिर ये इस खौफ को ख़त्म करने का एक हिस्सा है
जो दाइश का दुनिया पर फैला हुआ है, ये शाम की जंग में या इराक में ये फैला हुआ है सर? उनका तो ये बयान है प्रेसिडेंट ट्रंप का कि उनका कोई स्पेशल एक उनका स्क्वाड था अमेरिकन फोर्सेस का जिसने उनको घेर लिया था बगदादी को, और जब उन्होंने देखा कि उनके रास्ता सारा उनका रास्ता जो है बिल्कुल रुक गया है तो उन्होंने खुद ही अपने आप को उड़ा दिया अपने सुसाइड वेस्ट के ज़रिए से। यकीनन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका बहुत ही तफसील से ज़िक्र किया है, और ऐसा नज़र आता है कि जैसे माजी में ओबामा ने उसामा बिन लादेन की के मारे जाने को बहुत ही अपने ज़माने का बहुत बड़ा वाकया करार दिया था और बड़ा क्रेडिट लिया था उसका, अब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं एक लिहाज से उसी लाइन पे चलते हुए बगदादी की मौत को एक बहुत ही बड़ा वाकया करार दे रहे हैं और अमेरिका की बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। इसमें कुछ प्रोपेगेंडे का सिलसिला है, लेकिन यकीनन एक सेटबैक तो हुआ है दाइश को, क्योंकि उनका जो हेड है उनकी जाती भी उनकी वफादारियाँ भी थीं और उनकी कुछ ना कुछ तो उनकी एबिलिटीज होंगी कि उन्होंने इतनी बड़ी तंजीम को बनाया था, उसको चला रहे थे। तो यकीनन अमेरिका जो है इसमें क्रेडिट ले रहा है और वो समझते हैं कि अब दाइश जो है वो माजी के मुकाबले में इतनी बड़ी थ्रेट नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जो सिचुएशन बन रही है वो आपके सामने हमने रखी है, जाहिर इसका इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन बहरहाल वो मामलात कुछ और जो बनेंगे मुस्तकबिल में वो कुछ और होंगे। अभी पता भी चला है, बीबीसी ने भी इसके बारे में बताया है कि एक इराकी जंगजू हैं जिन्होंने इसकी अब सरबराही संभाली है। देखते हैं अगले आने वाले दिनों में इसका क्या बनता है, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा इम्पैक्ट है। जिस तरह से अलकायदा टूटा था, ब्रेकअप हुआ था उसामा बिन लादेन के बाद, दाइश के टूटने का भी खतरा है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के जो ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं उनके साथ हुकूमत ने क्या करने की ठान ली है, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे साथ रहिएगा।